हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में थर्मल सानी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक लास्ट ईयर का कट ऑफ किया गया था, प्लेसमेंट के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ये कॉलेज मुंबई के टॉप 5 कॉलेज में से आता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था, तो लगभग आज से ये कॉलेज 35-40 साल पुराना कॉलेज है। अब इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो कॉलेज का पूरा नाम थर्मल सानी इंजीनियरिंग कॉलेज बांद्रा मुंबई है। अब लोकेशन की बात करें तो कॉलेज 37th रोड ऑफ लिंकिंग रोड नियर मुंबई नियर नेशनल बांद्रा वेस्ट मुंबई पिन कोड 4,50,000 में है। अब स्टेटस की बात करें तो कॉलेज अनएडेड नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है। अब माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें तो लिंक्डइन माइनॉरिटी सिंधी है। अगर आप सिंधी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो आपके लिए एकदम बेस्ट कॉलेज है ये। ये कॉलेज अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से एंड रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड एफिलेटेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी से, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस कॉलेज को ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज से रिलेटेड तो आप इस कॉलेज की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.tsec.education। कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो मुंबई एयरपोर्ट है, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो बांद्रा टर्मिनस है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड की बात करें तो दादर है, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज का DTA कोड 3182 है। कोर्सेज़ की बात करें तो ये कॉलेज हमें BE की डिग्री प्रोवाइड करता है। BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं तो हमें सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाता है। इसमें 180 की इनटेक कैपेसिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इसमें 120 की कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल जाता है, इसमें 60 की कैपेसिटी है। केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, जिसमें 60 की कैपेसिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाता है एंड डेटा साइंस में 120 की कैपेसिटी है। तो टोटल हमें यहाँ पे BE में 540 सीटें मिल जाती हैं। अब कट ऑफ भी देख लेते हैं इस कॉलेज का। तो हमें यहाँ पे MSCT 2020 का कट ऑफ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सभी ब्रांच का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये कॉलेज सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है, तो इसलिए यहाँ पे सिंधी माइनॉरिटी का अलग से कट ऑफ दिया हुआ है। फिर ओपन का कट ऑफ दिया हुआ है। ओपन में भी दो होते हैं, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज़ के लिए। तो दोनों का हम सेपरेट देखने वाले हैं। तो पहले हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो जेंट्स ओपन का कट ऑफ 98.54% आयल गया था, लेडीज़ ओपन 97.84% आयल गया था, सिंधी माइनॉरिटी का कट ऑफ 65.04% आयल गया था, TFWS का कट ऑफ 98.49% आयल गया था, JEE मेंस का कट ऑफ 95.83% आयल गया था। तो आप JEE मेंस के मार्क्स से भी इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। IT डिपार्टमेंट की बात करें तो जेंट्स ओपन का कट ऑफ 97.58% आयल गया था, लेडीज़ ओपन का 97.19% आयल गया था, सिंधी माइनॉरिटी का 28.21% आयल गया था, TFWS का 97.84% आयल गया था एंड JEE मेंस का 95.11% आयल गया था। अब ELECTRICITY डिपार्टमेंट की बात करें तो ओपन जेंट्स ओपन का कट ऑफ 84.61% आयल गया था, लेडीज़ ओपन का 93.52% आयल गया था, सिंधी माइनॉरिटी का 20.78% आयल गया था, TFWS का 96.45% आयल गया था एंड JEE मेंस का 91.77% आयल गया था। अब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जेंट्स ओपन का कट ऑफ 91.23% आयल गया था, लेडीज़ ओपन का 89.39% आयल गया था, सिंधी माइनॉरिटी की सीट वैकेंट थी, TFWS का कट ऑफ 94.53% आयल गया था, JEE मेंस का 89.20 गया था। अब AIDS की बात करें तो जेंट्स ओपन का कट ऑफ 96.37% आयल गया था, लेडीज़ ओपन का 97.27% आयल गया था, सिंधी माइनॉरिटी का 34.97% आयल गया था, TFWS का 97.55% आयल गया था, JEE मेंस का 94.25% आयल गया था। तो ये कॉलेज माइनॉरिटी कॉलेज है, इसलिए इस कॉलेज में EWS से थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है। अगर आपकी सिंधी माइनॉरिटी है तो आपके लिए एकदम बेस्ट कॉलेज है। कम परसेंटाइल में भी आप अच्छी ब्रांच यहाँ पे ले सकते हो। वैसे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको लगभग यहाँ पे CSIT के लिए 97 या 98% लगेंगे। तो अब कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ईयर BE की फ़ीस दी हुई है। तो कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है 1,66,666 रुपीज़ है। डेवलपमेंट फीस 18,334 रुपीज़ है। यूनिवर्सिटी एंड अदर फीस 4,205 रुपीज़ है। तो टोटल आपकी फ़ीस 1,89,205 रुपीज़ है। अब कैटेगरी के हिसाब से सबकी फ़ीस देख लेते हैं। तो ओपन की फ़ीस 1,89,205 रुपीज़ है। SC ST की 4,205 रुपीज़ है। VJNT SBC TOWS की 22,539 रुपीज़ है। EBC OBC SCBC की 1,05,872 रुपीज़ है। जम्मू कश्मीर वाले लोग के लिए 28,205 रुपीज़ है।
अब मेन आता है प्लेसमेंट पैकेज। तो इस कॉलेज का लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज 27 लाख गया था और एवरेज पैकेज 8.05 लाख था। अब हम यहाँ पे सभी ब्रांच का एकेडमिक ईयर के हिसाब से प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बात करें तो 2016-17 में 55.86% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2017-18 में 72.22 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2018-19 में 92.12% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, 2019-20 में 68.97% प्लेसमेंट हुआ था, 2020-21 में 86.96% प्लेसमेंट हुआ था। आईटी डिपार्टमेंट की बात करें तो 2016-17 में 61.15% प्लेसमेंट हुआ था, 2017-18 में 65.88% प्लेसमेंट हुआ था, 2018-19 में 77.63% प्लेसमेंट हुआ था, 2019-20 में 70.91% प्लेसमेंट हुआ था, 2020-21 में 83.33% प्लेसमेंट हुआ था। अब EXTC की बात करें तो 2016-17 में 57.53% प्लेसमेंट हुआ था, 2017-18 में 53.33% प्लेसमेंट हुआ था, 2018-19 में 65.82% प्लेसमेंट हुआ था, 2019-20 में 48.89% प्लेसमेंट हुआ था, 2020-21 में 67.18% प्लेसमेंट हुआ था। अब केमिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो 2016-17 में 20.98% प्लेसमेंट हुआ था, 2017-18 में 41.80% प्लेसमेंट हुआ था, 2018-19 में 52.35% प्लेसमेंट हुआ था, 2019-20 में 33.33% प्लेसमेंट हुआ था, 2020-21 में 30.64% प्लेसमेंट हुआ था। तो ओवरऑल देखें तो एकदम मस्त कॉलेज है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो आप इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेकिन इस कॉलेज में कैंपस उतना अच्छा नहीं है, शायद से आपको इस कॉलेज में ग्राउंड, हॉस्टल और कैंटीन भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।